क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 1064 का 2 5 10 2 3 6 2 2 4 2 4 8 2 2 4 2 6 12 2 6 12 और 2 2 4 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2 ये जो 1331 जो डिजिट आई है ये आपका 11 का क्यूब होता है, ठीक है। ये आपको जब लर्न करोगे तो आपको याद हो जाएगा ये होता है 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब मतलब 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तब 133 बनाए 11, ठीक है। 11 का हम करेंगे तो 11 बन जाए 11, फिर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 11 2 जा 22 और 11 बन जाए 11, ठीक है। 11 बन जाए 11 एंड 11 बन जाए 11 बन जाए 11। अब हम 10648 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है इसके अंदर 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। ये देखेंगे आप, ये आपका ट्रिपलेट है, एक ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आपका ये ट्रिपलेट में आ गया है, ये ट्रिपलेट में आ गया है। अब आप कहाँ निकालोगे क्यूब रूट के तो 2 × 11 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 11 × 2 = 22, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ का करेंगे, फोर्थ का 2 7 0 0 का तो 2 1 2 2 3 6 2 5 10 0 0 2 6 12 2 7 14 2 5 10 0 2 3 6 2 3 6 2 7 14 2 5 10, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये। अब क्या करेंगे, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15 3 3 9 3 7 21 एंड 3 5 15 3 1 3 3 2 6 3 5 15। अब आ जाएगा 5 2 10 5 5 25 5 5 25 और 5 1 5। तो हम यहाँ पे अगर 2 7 0 0 0 का क्यूब रूट निकालते हैं तो इक्वल टू में आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 एंड × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट। अब 2 7 0 0 0 का क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारा जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे ट्रिपलेट जब हम बना लेते हैं तब 2 × 3 × 5 2 3 6 6 5 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा